करोड़ों सालों से हमारी धरती इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बनाए हुई है। इस दौरान समय समय पर धरती पर कई जीवों ने राज किया, लेकिन सभी में इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता रही जो वक्त के साथ खुद को पूरी तरह विकसित करने में सफल रही। हम सभी जानते हैं कि इंसान का स्वरूप जो आज हमें दिखाई देता है वो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी, जब होमो सेपियंस और चिंपैंजी का समरूप वंश एक दूसरे से अलग हो गया था। हालांकि चिंपैंजी को इंसान के पहले पूर्वजों के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें विकसित होने में कई सालों का समय लग गया था और इसी बीच मानव प्रजाति के कई पूर्वज रहे जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो यह वीडियो मानव के जन्म और हमारे पूर्वजों की कहानी बयां करती है। मानव विकास की शुरुआत आज से लगभग 20 लाख साल पहले जब अफ्रीका में फल खाने वाले असामान्य बांदरों का विकास हुआ। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले ये जीव फल खाकर अपना गुजारा करते थे। इनका आकार एक दूसरे से काफी अलग था, क्योंकि ये मेमूसेट और गोरिल्ला जैसे अलग अलग प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। पेड़ों पर अपना बसेरा बनाने वाले इन जीवों को पृथ्वी की सतह पर होने वाले क्रियाकलापों से कोई भी मतलब नहीं था। ये चार पैरों पर चला करते थे। इनकी ऊपरी और निचले घुटने सामान्य आकार के होते थे। इन असामान्य बानरों के अवशेष उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे हमें इनके शारीरिक बनावट का पता चलता है और वह अवशेष बताते हैं कि इन जीवों का दिमाग काफी छोटा और साधारण सा रहा होगा, जिसका मतलब है कि ये पुराने समय में यह जीव सामान्य तरीके से जीते थे। खैर, ये तो धरती पर जीवों की शुरुआत थी। अनेक शोध बताते हैं कि 10 लाख साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई कमी ने अफ्रीका के जंगलों को प्रभावित किया। इसके चलते इन जीवों को दो पैरों पर चलना पड़ा होगा, जिससे हमारे पूर्वज आर्डिपिथेकस रेमिडस अस्तित्व में आए। हालांकि हमारे पूर्वज असामान्य बानरों से आर्डिपिथेकस रेमिडस में विकसित होने में सफल रहे। वे दो पैरों पर चलने में कामयाब रहे, लेकिन इनके प्रकार में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इन जीवों के पैर अभी भी पहले जैसे थे, लेकिन ये स्पेशल आर्क में आए बदलाव के चलते अच्छी तरह से चलने लगे थे। लेकिन ये बात तो अलग है कि आर्डिपिथेकस रेमिडस की चाल इंसानों से काफी अलग थी। जीवाश्म बताते हैं कि इन जीवों के हाथ घुटनों तक थे और उंगलियां आधे इंसान और एप से मेल खाती थी। दो पैरों पर चलने के बाद भी अपने पेड़ के बसेरों को छोड़ना नहीं चाहा, इसीलिए दो हाथों के इस्तेमाल से पेड़ों पर चढ़ते रहे। आर्डिपिथेकस रेमिडस काफी कुछ इंसान और एप्स के बीच क्रॉस था, क्योंकि इनके आधे फीचर इंसान से मेल खाते थे जबकि बाकी एप्स से। और जैसे जैसे अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों की मात्रा कम होती रही और सवाना का विकास हुआ और उसके साथ ही अफ्रीका में एक नई प्रजाति ने दस्तक दी, जिसे ऑस्ट्रोपिथेकस नाम दिया गया और ये जल्दी ही अपने नए घर में रहने के लिए विकसित हो गई। इनकी चाल काफी ज्यादा इंसानों से मेल खाती थी। ये जानवर झुंड में रहना पसंद करते थे तथा कई किलोमीटर दूर तय करने में सक्षम थे। और जहां तक भोजन की बात है तो ये जीव सब कुछ खाना और पचाना जान गए थे। ऑस्ट्रोपिथेकस बड़ी आसानी से एक साथ मिलजुल कर रहना सीख गए थे ताकि मुसीबत में अपनी मदद कर सके। अवशेष बताते हैं कि इन जीवों के दिमाग का ढांचा एक जैसा ही था। पहली नजर में देखकर इनमें इंसानों के गुण का पता लगाना काफी मुश्किल था, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता चला है कि इनके दिमाग का आकार आर्डिपिथेकस से बड़ा होता था और यही ऑस्ट्रोपिथेकस समय के साथ बदलते गए। और आज से लगभग 3 लाख साल पहले इंसानों की पहली प्रजाति ने धरती पर दस्तक दी। इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस का दिमाग पहले से और अच्छी तरह काम करने लगा था और इनके दिमाग का वजन
700 ग्राम होता था। हमारे जीन से ताल्लुक रखने वाले होमो हैबिलिस वह पहले जीव थे जो हाथों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। ये धरती पर पहली प्रजाति थी जिन्होंने हाथों का इस्तेमाल से पत्थर बनाना सीख लिया, और इन जीवों ने पत्थरों से हथियारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया ताकि बाकी जानवरों से खुद का बचाव कर सके। आप समझ सकते हैं कि होमो हैबिलिस इंसानों की तरह दिमाग का इस्तेमाल करना जान गए थे। हालांकि अभी तक इनके सोच का दायरा सीमित था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे पूर्वज पहले से काफी विकसित थे। पेड़ का जीवन भले ही काफी आसान था, लेकिन घूमना फिरना इंसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। शायद इसी भावना से होमो हैबिलिस केवल अफ्रीका के जंगलों तक सीमित नहीं रहे और आगे बढ़ते गए। हालांकि दुनिया में खुद को खुद में जीवित रखना काफी मुश्किल था, लेकिन तेज दिमाग हर मुश्किल का समाधान करने के लिए काफी था। हालांकि होमो हैबिलिस के अवशेष की बनावट कुछ ऑस्ट्रोपिथेकस से मेल खाती थी, लेकिन दिमागी हिस्सा इंसानों की तरह विकसित हो रहा था। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहाँ आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।